शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरडी थाना अंतर्गत हुई रसोई की हत्या की गुत्थी अब तक भी नहीं सुलझी। हत्या को उसके साथियों द्वारा ही अंजाम दिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जाने की तैयारी में है। लोहा पुल के समीप खालसा नामक होटल में गुरुवार को शंकर नामक व्यक्ति का शव पाया गया था। शव पर कोई भी जख्म नहीं था। संदेह है कि उसकी गला घोट कर हत्या की गई है। पता चला है कि लगभग 5-6 महीने पहले भटकते हुए शंकर होटल में आया था। अनुभव के आधार पर उसे रसोई का काम दिया गया था। शंकर होटल में ही काम करता था और वहीं पर रहता था। लॉकडाउन के बाद से होटल बंद था। शंकर और उसके साथ ही काम करने वाले अन्य 3 व्यक्ति भी वहीं पर रह रहे थे, जिनमें रेड्डी नामक व्यक्ति आंध्र प्रदेश तथा तिवारी नामक व्यक्ति मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे। संदेह है कि किसी बात को लेकर शंकर का उनसे विवाद हुआ होगा और उसकी गला घोट कर हत्या की गई होगी। होटल में एक मोबाइल भी मिला है। घटना को लेकर शुक्रवार को होटल संचालक से भी पूछताछ हुई। उसे नौकर का कोई पता ठिकाना नहीं मालूम है। रीवा में रहने वाले नौकर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इस पूछताछ के आधार पर पुलिस मध्य प्रदेश के रीवा और आंध्र प्रदेश जाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।